सुप्रीम कोर्ट में सानिहा आर्मी पब्लिक स्कूल केस की समाअत। वज़ीर आज़म इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में पेश। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में तीन रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान से सेनेट में कायदे ऐवान सेनेटर शहजाद वसीम की मुलाकात। ऐवान बाला में कानून साज़िश से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म आज पीटीआई सेनेटर से भी मुलाकातें करेंगे। तालीम पर सरमायाकारी करने की जरूरत है। टेक्नोलॉजी पॉलिसी साजी में अहम किरदार अदा कर सकती है। आने वाला वक्त टेक्नोलॉजी का है। आवाम को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुतालिक आगाही दे रहे हैं सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का कौमी ब्रॉडबैंड नेटवर्क फोरम से खिताब। तेहरान में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तिजारत में अशिया के बदले अशिया की तिजारत का माहिदा तय पा गया। पाकिस्तान और ईरान बार्टर निज़ाम के तहत तिजारत शुरू करेंगे। बार्टर तिजारत माहिदे के बाद पाकिस्तान की जानिब से ईरान को चावल के अलावा ताज़ा और खुश्क अमरूद, तैयार मलबूसात, पॉलीमर टेक्सटाइल फैब्रिक्स, तिब्बी आलात, गोश्त और आम समेत दीगर अशियाए तिजारत की फहरिस्त दी गई है। वफाकी मुशीर बराए तिजारत अब्दुल रजाक दाऊद। अफगान उबूरी वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी वफ़द के हमरा आज पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग, मईशत, रहदारी माहिदे, आमदोरफ़्त और महाजरीन के मामले पर बातचीत होगी। अमेरिका अफगान तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने पर मुशावरत कर रहा है। तालिबान बैन अल-अक़वामी बरादरी के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने, इमदाद की बहाली और सिफारतकारों की काबुल वापसी के ख्वाह है। अमेरिका तनहा अफगान हुकूमत को तस्लीम नहीं कर सकता। जल्द वो रूस, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे। अफगानिस्तान के बारे में अमरीका के खसूसी नुमाइंदे थॉमस वेस्ट की ब्रसल्स में सहाफियों से बातचीत। भारत को बैनुल अक़वामी सतह पर एक और शर्मिंदगी का सामना। अफगानिस्तान पर दिल्ली इजलास में पाकिस्तान के बाद चीन का भी शिरकत से इनकार। तहरीबी और मनफी सोच रखने वाला मुल्क अमन का सफीर नहीं हो सकता। तैयारियां धरी रह गई। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की तरफ से पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ इलाकों में दर्जन से जायद नौजवान गिरफ्तार। काला कानून लागू कर दिया गया। पूंछ और राजौरी में मुसलसल तीसवें रोज भी फौजी ऑपरेशन जारी। कोरोना कर्फ्यू के नाम पर श्रीनगर में 10 दिन के लिए लॉकडाउन लगा दिया। मुल्क में डेंगू जोर पकड़ने लगा। सुबह पंजाब में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 501 मरीज रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज मजीद 6 अफराद जाँ बहक। तमाम का ताल्लुक लाहौर से है। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के लिए 5523 बिस्तर मुख्तस। पंजाब हुकूमत ने सुबह भर में डेंगू लार्वा को तल्फ करने और अफजाइश रोकने के लिए कार्रवाइयाँ तेज कर दी। कोरोना की केसेस में मुसलसल कमी। मुस्बत केसेस की शरह 1.2% रिकॉर्ड। मजीद 8 अफराद जान की बाजी हार गए। मजीद 554 अफराद में वायरस की तस्दीक। 1167 की हालत तश्वीशनाक। टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मरहले का आज से आगाज। पहले सेमीफाइनल में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमें शाम 7 बजे अबूधाबी में मद्दे मुकाबिल। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान कल दुबई में खेला जाएगा। टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स दिखाने के लिए भी पीटीवी के मुल्क भर में इंतजाम। आज के मैच के लिए भी बड़ी स्क्रीन। इस्लामाबाद के F9 पार्क में गुज़श्ता मुकाबलों की तरह फैमिलीज मैच से लुत्फ अंदोज हो सकेंगी।
ऑस्ट्रेलिया के बाद इंग्लैंड ने भी दौरा पाकिस्तान की हामी भर ली। इंग्लिश क्रिकेट टीम आइंदा साल पाकिस्तान का दौरा करेगी और पाकिस्तान के खिलाफ सितंबर अक्टूबर में 7 T20 मैचेस खेलेगी। इंग्लैंड क्रिकेट टीम अगले साल नवंबर दिसंबर में 3 टेस्ट मैचेस खेलने के लिए भी पाकिस्तान आएगी। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अमन और तरक्की के लिए साइंस का दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद माशरे में साइंस की अहमियत को उजागर करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को दौर हाजिर के मसाइल पर साइंसी मुबाहिसों में शामिल करना है। इस साल का मौजू मौसमियाती तब्दीलियों के खतरात से बचने के लिए माहौल दोस्त आबादियों का कयाम है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। मैं हूं अली जन्नत। मैं हूं सबा रियाज और स्पोर्ट्स न्यूज के लिए मैं आपके साथ हूं मोहम्मद अनीस। खबरों की तफसील शामिल करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। मोबाइल पर 25,000 का डिस्काउंट, फ्रिज पे 15,000 की बचत, फैशन ब्रांड्स पर फ्लैश सेल, जल्दी से ऐड टू कार्ट करें और 11 नवंबर से एंजॉय करें। दराज 11:11, बड़ी सेल की बड़ी बचत। दराज प्रेजेंट्स 11:11। बेगम, तुमको दिला दूंगा बड़ा टीवी, बड़ी वॉशिंग मशीन, बड़ा एसी। बड़ी बड़ी बातें करवा लो इनसे। अब बड़ी बातों के साथ होगी बड़ी बचत जब दराज पे लगेगी साल की सबसे बड़ी सेल 11 नवंबर को, जहां आपको मिले 50 करोड़ का डिस्काउंट 2 करोड़ प्रोडक्ट्स पर। डाउनलोड दी ऐप नाउ, दराज 11:11। कपड़े, मेरी क्रॉकरी और मेरे घर का सामान, कहाँ से मिलेगा मुझे हर चीज पे डिस्काउंट? दराज पे वो भी 11:11 पे 11 नवंबर से। तो फिर अभी ऐड टू कार्ट करें, दराज 11:11, बड़ी सेल की बड़ी बचत। वेलकम बैक। खबरों की तफसील शामिल करते हुए आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में सानहे आर्मी पब्लिक स्कूल केस की समाअत हो रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए हैं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद, वज़ीर इत्तला'आत फवाद चौधरी, वज़ीर मुमलिकत फर्रुख हबीब, मुआवन खुसरी शहबाज गिल कमरा अदालत में मौजूद हैं। तफसील जानते हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे इजाज हुसैन हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इजाज साहब, ये तारीख रकम हुई है कि इंतहाई कलील मुद्दत में वज़ीर आज़म इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए हैं, अब तक की समाअत के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी, ऐसा है कि जब सुबह समाअत शुरू हुई तो जो गुज़श्ता अदालती हुक्म था उस हवाले से अदालत ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि क्या वज़ीर आज़म को इस हुक्मनामे से आगाह किया गया है कि जो सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल है उसको एक अरसा भी दिया है, लेकिन उस हवाले से अभी तक तहकीकात जो कसूरवार है उनकी निशानदही नहीं हो सकी। ये अहम कौमी मामला है। साथ उन्होंने कहा कि जो बच्चे थे वो एक आसान निशाना था और जो मुजरिम थे और जो उन्होंने उन्हीं को निशाना बनाया, इस हवाले से ऐसे वाकयात का तदारुक होना चाहिए और उसके साथ साथ ये है कि इसके जो जिम्मेदार हैं उन तक जो है उनकी निशानदही जरूर होनी चाहिए। जिसके बाद अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि गुज़श्ता हुक्मनामा जो है उससे वज़ीर आज़म को आगाह नहीं किया गया था और अदालत ने कहा कि ये गैर संजीदा रवैया आप लोगों के बिहाफ पर और आपको वज़ीर आज़म से जो वज़ीर आज़म को इस हुक्मनामे से आगाह करना चाहिए था और इसलिए फिर अब वज़ीर आज़म अदालत ने कहा है कि हम वज़ीर आज़म से खुद बात करेंगे और फिर वज़ीर आज़म को बुलाया गया है। वज़ीर आज़म अदालत में पेश हो गए हैं, उनके साथ वज़ीर दाखिला भी हैं, वज़ीर इत्तला'आत और नशरियात भी हैं। जी सही। इजाज, हम जानना चाहेंगे कि वज़ीर आज़म से अटॉर्नी जनरल और कानूनी टीम ने भी मुशावरत की है इसके हवाले से, और जैसा कि इस पहले आप अपडेट भी कर रहे थे, इंतहाई मुख्तसर वक्त में वज़ीर आज़म इमरान खान सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और अदालत को इस तमाम तर सूरत हाल से मुतालिक आगाह किया। जी, इसमें शक नहीं अली कि ये बहुत एक सेंसिटिव मामला है और जो एक कलील वक्त में जितनी अटॉर्नी जनरल ने उन्हें इस हवाले से सारी तफसीलात आगाह की हैं केस के हवाले से कि उसमें अब तक क्या पेशरफ्त हो चुकी है और अदालती हुक्मनामा जो है इसकी नौईयत क्या है, उस हवाले से उन्हें आगाह किया गया है और वो फौरी तौर पर अदालत में पेश हो गए। माज़ी में हमने देखा है कि जब भी कोई इस तरह का जो है वो हुक्मनामा आता है उसके बाद काफ़ी देर बाद
जो है वो रिस्पॉन्ड किया जाता है, लेकिन वजीर आजम फौरी तौर पर पेश हुए हैं और अदालत को अब तमाम हकाइक से आगाह किया जाएगा। जी जी इजाज हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट से हमें अपडेट कर रहे थे इस अहम केस के समाअत के हवाले से। वज़ीर आज़म इमरान खान सुप्रीम कोर्ट पेश हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट में सानहार में पब्लिक स्कूल केस के हवाले से समाअत हो रही है। इस वक्त आपको बराह रास्त चलेंगे मुआवन खुसी उमर नौजवान उस्मान डार, इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। वादा किया था हमने इनको तनहा नहीं छोड़ा है, फेडरल पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि सूबों में के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन बेहतर की जा सके। दूसरा, असद उमर साहब जो नेशनल यूथ काउंसिल की इम्पोर्टेंस है, दुनिया भर में यूथ काउंसल्स हैं सरकारी सतह पर, फेडरेशन की सतह पर, लेकिन पाकिस्तान में नहीं थी। जो भी बहुत सारे जब हमने काम शुरू किया तो हमें मुख्तलिफ मालिक से इन्विटेशन आते थे और सब इस बात में दिलचस्पी रखते थे कि फेडरल की सतह पे कोई यूथ काउंसिल होनी चाहिए ताकि इनके जो गैप है पाकिस्तान का बाकी ममालिक के साथ, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम्स पे बहुत सारी ऑनलाइन वर्कशॉप्स थी, उस वजह से भी ज़रूरत थी कि पाकिस्तान में एक नेशनल सतह पे यूथ काउंसिल हो जो दुनिया भर के दूसरे ममालिक की यूथ काउंसिल्स के साथ मिलके काम करे। और मुझे इसमें भी खुशी है हमारे दोनों बैचेस, जो पहला बैच था और अब भी बहुत सारी हमारी ऐसी इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंसेस थी, यूथ एंगेजमेंट प्रोग्राम्स थे जिसमें इन नौजवानों ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की आलमी सतह पर भी। तीसरी चीज़, यूथ को इंगेज रखने के लिए जो एक डायलॉग फोरम की ज़रूरत थी, जो हमारी पाकिस्तान के अंदर वर्कशॉप्स की ज़रूरत थी, वहाँ भी ये नौजवान नुमाइंदगी कर रहे हैं। और जो हमारी कोशिश थी और है भी कि नौजवानों की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं ये पाकिस्तान के नौजवानों के मशवरे से और इनके फीडबैक से बने, और आज मुझे दिली खुशी है जो आज हमने देखा है यहाँ ये सारा होमवर्क इन्होंने किया पाकिस्तान के नौजवानों ने। तो मैं आप सबको ही हाथ से वालका देता हूँ। आखिर में मैं सिर्फ दो इम्पोर्टेंट बातें करूँगा। देखें, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत को अभी लत से 3 साल या उससे थोड़ा ज़्यादा अर्सा हुआ, हमने क्या किया, हमने नौजवानों के लिए एक बुनियाद रख दी है नेशनल यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम की शक्ल में जो कामयाब जवान है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एंटरप्रेन्योर्स जो हमारे यंग कह लें जो टैलेंट रखते हैं, जिनके पास स्किल है, हुनर है, ज़िंदगी के मैदान में आगे निकल सकते हैं, उनको हमने बुनियाद रख के मौका दिया कि वो अपना कारोबार शुरू करें। और अल्हम्दुलिल्लाह 30 अरब से ज़्यादा की रकम जो हमारा टारगेट था 2021 का हमने अचीव किया, और बाकी मानदा 70 अरब रुपये भी इंशाल्लाह ताला अगले 2 सालों में तकसीम होंगे। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम जिसकी बुनियाद रख दी है हमारी हुकूमत ने, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने, जिसमें नौजवानों को कारोबार शुरू करने के लिए पैसा भी मिल रहा है। हर माह आज तकरीबन 3 अरब रुपए से लेके 5 अरब रुपए की रकम तकसीम की जा रही है असद उमर साहब नौजवानों में। इसी तरह स्किल्स में बुनियाद रख दी है हाई एंड स्किल ट्रेनिंग्स की, कन्वेंशनल ट्रेनिंग्स की। अब ये दोनों प्रोग्राम मैं समझता हूँ कि अगले 10 सालों में पाकिस्तान को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अगर हम इसी यूथ को इसी पेस से भी सपोर्ट करते रहे कारोबारी मैदान में, स्किल्स में। तो इंशाल्लाह ताला ये जो आप लोगों ने सारा होमवर्क किया है, इसी तरह हमने नेशनल यूथ काउंसिल की आपकी बुनियाद रख दी है। मामले खसूसी उमूर नौजवान उस्मान डार तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि हमने नौजवानों के लिए एक बुनियाद रख दी है, यूथ फोरम के तहत पाकिस्तान के नौजवानों ने आलमी सतह पर मुल्क की नुमाइंदगी की है। मामले खसूसी उमूर नौजवान उस्मान डार तकरीब से खिताब कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल केस की समाअत हो रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए हैं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। वज़ीर दाखला शेख रशीद, वज़ीर इत्तला'आत फवाद चौधरी, वज़ीर ममलकत फर्रुख हबीब, मामले खसूसी शहबाज गिल कमरा अदालत में मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट में सानिहा आर्मी पब्लिक स्कूल केस की समाअत हो रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए हैं और इंतहाई कलील मुद्दत में वज़ीर आज़म इमरान खान पेश हुए हैं। शॉर्ट नोटिस पर वज़ीर आज़म अदालत पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में सानिहा आर्मी पब्लिक स्कूल केस की समाअत से मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं कि अदालत ने मामले पर वज़ीर आज़म को बुलाया और अदालत को मामले से मुतालिक आगाह करने के लिए वज़ीर आज़म अदालत में मौजूद हैं और वज़ीर आज़म ने अपने कानूनी टीम से मुशावरत की है इस केस से मुतालिक। इससे पहले हमारे नुमाइंदे हमें आगाह कर रहे थे कि वज़ीर
داخلہ شیخ رشید احمد، وزیر اطلاعات فواز چوہدری، وزیر مملکت فرخ حبیب، معاون خصوصی شہباز گل کمرہ عدالت میں موجود ہیں۔ سپریم کورٹ میں سانحہ آرمی پبلک سکول کیس کی سماعت ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان سپریم کورٹ میں پیش ہوئے ہیں اور چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں تین رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ جب وزیر اعظم عمران خان عدالت پہنچے تھے اس وقت کے مناظر اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں، اور آپ کو بتا چلیں کہ سپریم کورٹ میں سانحہ آرمی پبلک سکول کیس کی سماعت ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان جب سپریم کورٹ پہنچ رہے تھے اس وقت کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹی وی سکرین پر۔ وزیر اعظم عمران خان سپریم کورٹ میں پیش ہوئے اور چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں تین رکنی بینچ کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد، وزیر اطلاعات فواز چوہدری، وزیر مملکت فرخ حبیب، معاون خصوصی شہباز گل کمرہ عدالت میں موجود ہیں اور سپریم کورٹ میں سانحہ آرمی پبلک سکول کیس کی سماعت سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ عدالت نے معاملے پر وزیر اعظم کو بلایا اور عدالت کو اس معاملے سے متعلق آگاہ کرنے کے لیے وزیر اعظم عدالت میں پیش ہوئے اور اس وقت وہ عدالت میں موجود ہیں۔ وزیر اعظم نے اپنی قانونی ٹیم سے مشاورت کی، اٹارنی جنرل نے بھی اس کیس سے متعلق وزیر اعظم کو بریف کیا۔ وزیر اعظم عمران خان انتہائی مختصر وقت میں، قلیل مدت میں وزیر اعظم عمران خان سپریم کورٹ کے شارٹ نوٹس پر پہنچے ہیں عدالت، اور یہ تاریخ رقم ہوئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان عدالت کے بلانے پر سپریم کورٹ پہنچے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان سپریم کورٹ پہنچے اور سانحہ آرمی پبلک سکول کیس کی سماعت سے متعلق آپ کو آگاہ کریں کہ اس وقت کیس کی سماعت ہو رہی ہے۔ چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں تین رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے اور وزیر داخلہ شیخ رشید احمد بھی ان کے ساتھ ہیں، وزیر اطلاعات فواز چوہدری ان کے ساتھ ہیں اور وزیر مملکت فرخ حبیب، معاون خصوصی شہباز گل کمرہ عدالت میں موجود ہیں اور سپریم کورٹ میں سانحہ آرمی پبلک سکول کیس کی سماعت اس وقت ہو رہی ہے اور وزیر اعظم کم وقت میں عدالت پہنچے ہیں۔ سپریم کورٹ کی جانب سے وزیر اعظم کو بلایا گیا اور جیسے ہی وزیر اعظم کو طلب کیا گیا انہوں نے اپنی مصروفیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان سپریم کورٹ پہنچے ہیں اور سپریم کورٹ میں سانحہ آرمی پبلک سکول کیس کی سماعت ہو رہی ہے اور اس کیس سے متعلق آپ کو آگاہ کریں کہ وزیر اعظم کے ہمراہ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب ہیں، وزیر اطلاعات فواز چوہدری، وزیر مملکت فرخ حبیب، معاون خصوصی شہباز گل کمرہ عدالت میں موجود ہیں اور اس وقت سماعت جاری ہے۔ اس سے پہلے ہمارے نمائندے اعجاز حسین تازہ ترین پیش رفت سے متعلق آگاہ کر رہے تھے کہ اس وقت کیس کی سماعت جاری ہے اور وزیر اعظم کو طلب کیا گیا، وزیر اعظم عدالت پہنچے، روشن پر وزیر اعظم موجود تھے اور وزیر اعظم نے عدالت کو اس معاملے سے متعلق آگاہ کیا۔ جی بالکل، سپریم کورٹ میں سانحہ آرمی پبلک سکول کیس کی سماعت ہو رہی ہے۔ وزیراعظم عمران خان سپریم کورٹ میں پیش ہوئے ہیں۔ چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں تین رکنی بینچ کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید، وزیر اطلاعات فواد چوہدری، وزیر مملکت فرخ حبیب، معاون خصوصی شہباز گل کمرہ عدالت میں موجود ہیں۔ آپ کو ہم اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں سانحہ آرمی پبلک سکول کیس کی سماعت ہو رہی ہے۔ وزیراعظم عمران خان کو سپریم کورٹ میں بلایا گیا ہے اور وزیر اعظم عمران خان اس وقت سپریم کورٹ میں پیش ہوئے ہیں۔ چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں تین رکنی بینچ کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے عدالت کے بلانے پر معاملے سے متعلق عدالت کو آگاہ کیا گیا اور وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے کہا گیا کہ سانحے کے حوالے سے ہر ممکن اقدامات اٹھائے اور سپریم کورٹ کی جانب سے سانحہ آرمی پبلک سکول کیس کی سماعت سے متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کا سانحے کے حوالے سے سپریم کورٹ میں جواب دیا گیا اور کہا کہ سانحے سے متعلق ہر ممکن اقدامات اٹھائے گئے ہیں اور اس متعلق امن و امان کے صورتحال سے متعلق بھی بات کی گئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ سانحے کے حوالے سے ہر ممکن اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ میں سانحہ آرمی پبلک سکول سے متعلق کیس کی سماعت اس وقت جاری ہے۔ وزیر اعظم عمران خان سپریم کورٹ پہنچے اور سانحہ آرمی پبلک سکول سے متعلق آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت کیس کی سماعت ہو رہی ہے۔ چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں تین رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ وزیر اعظم نے عدالت کو اس متعلق جواب دیا ہے اور کہا کہ سانحے کے حوالے سے ہر ممکن اقدامات اٹھائے گئے ہیں اور وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے سپریم کورٹ میں جواب دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم کے ہمراہ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد، وزیر اطلاعات فواد چوہدری، وزیر مملکت فرخ حبیب، معاون خصوصی شہباز گل کمرہ عدالت میں اس وقت موجود ہیں۔ سپریم کورٹ میں سانحہ آرمی پبلک سکول کیس کی سماعت اس وقت ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان سپریم کورٹ میں پیش ہوئے اور چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں تین رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ عدالت نے اس معاملے پر وزیر اعظم کو بلایا اور وزیر اعظم نے اپنی تمام تر مصروفیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے وزیر اعظم فوری طور پر عدالت میں پیش ہوئے
और अदालत को इस मामले से मुतालिक वज़ीर आज़म ने आगाह किया है। वज़ीर आज़म ने जो जवाब दिया, वज़ीर आज़म ने कहा कि सानहे से मुतालिक हर मुमकिन इकदाम उठाए गए हैं हुकूमत की जानिब से और सानहे के वक्त सूबे में हमारी हुकूमत थी। वज़ीर आज़म ने यह जवाब दिया है, सानहे के हवाले से हर मुमकिन इकदाम उठाए गए। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से अदालत में यह जवाब दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल केस की समाअत से मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस वक्त केस की समाअत कर रहा है। वज़ीर दाखला शेख रशीद अहमद भी वज़ीर आज़म इमरान खान के हमरा हैं और वज़ीर मुमलकत फर्रुख हबीब, मुआवन हुसैन शहबाज गिल और वज़ीर इत्तला'आत व नशरियात फवाद चौधरी साहब भी इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद हैं और समाअत इस वक्त जारी है। अब से कुछ देर पहले हमारे नुमाइंदे एजाज हुसैन हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वज़ीर आज़म की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब दिया गया है उस मुतालिक उन्होंने अपडेट किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि सानहे के वक्त सूबे में हमारी हुकूमत थी और सानहे के हवाले से हर मुमकिन इकदाम उठाए गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह जवाब दिया है। अब तक की पेशरफ के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज अहम केस की समाअत हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल केस की समाअत इस वक्त जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त मौजूद हैं और चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। एजाज हुसैन हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। एजाज बताइएगा, केस के हवाले से अब तक समाअत में क्या पेशरफ्त देखने को मिली है और वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से क्या जवाब दिया गया? जी, ऐसा है कि अभी इस केस की जो है वो 4 हफ्ते के लिए मुलतवी की गई है और रिपोर्ट एक अदालत ने मांगी है जो कि रिपोर्ट पर वज़ीर-ए-आज़म के दस्तखत मौजूद हों और अदालत ने कहा है कि जो भी इसके जिम्मेदार हैं उनको उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। APS पेशावर के और साथ ये भी कहा है कि जो अदालती गुज़श्ता अदालती हुक्म है उसके मुताबिक तमाम जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाए और उस फैसले को एक किस्म का रिस्टोर किया है अदालत ने। वज़ीर आज़म फवाद चौधरी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, वहाँ लिए चलते हैं आपको बराह रास्त। सबसे पहले तो आज सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि आज एक दफ़ा फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह साबित किया कि वो कानून और अदालतों के एहतराम के लिए किस कदर आगे जाते हैं। उनकी जो जदोजहद रही उसमें जो कानून और इंसाफ की अलमबरदारी है वो उनकी सियासत का खासा रही है और आज एक बार फिर आप देखिए कि सुबह 9:30 बजे अदालत ने हुक्म किया कि वज़ीर आज़म आए और वो अपने घर से सीधा सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे और अदालत के हुक्म के ऊपर की तामील की। जो मामला है जो हमारे बच्चों की शहादत का, वो जाहिर है कि पाकिस्तान के हर शहरी के लिए उसका दिल इस पे रंजीदा है। हमारे पास तो बड़ा आसान रास्ता था, हमारी जो मुखालिफ पार्टी थी PMLN वो उस वक़्त बरसर इक्तदार थी, बड़ा आसान था कि हम उन्हें एक्यूज़ करते, हम नवाज शरीफ साहब को एक्यूज़ करते, हम उस वक़्त के वज़ीर दाखला को एक्यूज़ करते और आराम से हम सारी जिम्मेदारी डाल देते और कहते कि बात ख़त्म हो गई। लेकिन देखिए, हम पाकिस्तान की एक कौमी वहदत को भी देखते हैं, हमने यहाँ पर इस बात को भी देखना है कि ये जो लड़ाई है ये ज़ातों से बढ़कर है। सो जिस तरह से आज अटॉर्नी जनरल ने वहाँ पे किया, एक रास्ता तो ये था कि हम उस वक्त कहते कि नहीं नवाज शरीफ इस्तीफ़ा दें, आर्मी चीफ इस्तीफ़ा दें, फलाना वज़ीर दाखला इस्तीफ़ा दें, अल्लाह खैर सल्लाह। इसके बजाय दूसरा रास्ता इख्तियार किया गया और पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने अपना जो इख्तलाफात थे उनको पसे पुश डाल के वो इकट्ठे हुए और उन्होंने एक तवील बातचीत के बाद नेशनल एक्शन प्लान बनाया। उस नेशनल एक्शन प्लान के पीछे पूरी कौम खड़ी हुई और ये वो वक्त था, मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि जब अदालतों में जजों ने फैसले करने छोड़ दिए थे, आपको आर्मी कोर्ट्स बनानी पड़ी थी, उस वक़्त के हालात इस कदर कशीदा थे। और ये जो इंटेलिजेंस फेलियर्स हैं, ये तो देखिए 9/11 का भी फेलियर हुआ, जो 7 बॉम्बर्स व्हाइट हाउस के सामने, हम कहते तो है ना ओसामा बिन लादेन यहाँ पे पकड़ा गया, तो वो जो 7 बॉम्बर थे वो व्हाइट हाउस के सामने के होटल में 3 महीने रहे, किसी को नहीं पता चला। इंटेलिजेंस फेलियर्स होते हैं और उसके बाद
जो स्टेप्स लिए गए हैं, हमने एलिमिनेट कर दिया टेररिज्म को पाकिस्तान से। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ज़िंदगी अगर नॉर्मल हुई है तो ये नेशनल एक्शन प्लान के बाद, पाकिस्तान की फ़ौज ने जो कुर्बानियाँ दी, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज ने जो कुर्बानियाँ दी, और यहाँ पर पाकिस्तान की सियासी क़यादत को भी एक क्रेडिट देना बनता है कि पार्लिमान ने जो रोल अदा किया, जो एक हमने एक यूनानिमिटी क्रिएट की इस मामले के ऊपर, और आज भी उसी नेशनल एक्शन प्लान को लेके हम आगे चल रहे हैं। ये जो तीन साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 साल हैं, ये पाकिस्तान की मौजूदा तारीख के पुरअमन तरीन 3 साल हैं। इतना कम जो वाकयात हैं कभी नहीं, और ये आप फिर देखिए हमने हैंडलिंग क्या क्या की। हमने पूरा एक जो इस वक्त इफान एक तो कोरोना और वो सारे मामलात आए, मईशत, वो तो एक अलहदा है, वो तो एक अलहदा डिबेट है कि किस तरीके से हमने उन चैलेंजेस का मुकाबला किया। अफगानिस्तान मेल्ट डाउन हो गया, 2 दिन में आपको पता चला कि काबुल जो है वो तालिबान ने टेक ओवर कर लिया। मैं यहाँ इंटीरियर मिनिस्ट्री को, शेख रशीद साहब को, पाकिस्तान की तमाम सिविल एजेंसीज को, पाकिस्तान की फ़ौज को, ISI को ये क्रेडिट देना चाहता हूँ कि जिन्होंने पाकिस्तान की सियासी क़यादत के दूरंदेशाना फैसलों के ऊपर शानदार तरीके से अमल दरामद किया। अगर आज ये जो सूरत हाल जिससे हम अफगानिस्तान में गुजरे हैं, अगर ये सूरत हाल किसी और मुल्क को दरपेश होती तो आप अंदाज़ा लगाइए कि वहाँ पर क्या हालात होते। इस वक्त तकरीबन, कल अक़वामे मुत्तहिदा ने कहा है 23 करोड़ लोग अफगानिस्तान के, उनको खाना नहीं मिल रहा, बच्चे वहाँ पर बिके जा रहे हैं। इन हालात में आप मुकाबला कर रहे हैं इस सारे मामले का, ये कोई एक अलहदा करके इसको नहीं देखा जा सकता। आज फिर एक दफ़ा वज़ीर आज़म ने आइन और कानून की हुक्मरानी का जो हमारा मैनिफेस्टो है, जो हमारा मंशूर है, उसको अमली तौर के ऊपर नाफज करके दिखाया है। आज अदालत के सामने पेश हो के, और सिर्फ हम जो, और अकेले बिल्कुल 2-3 जो लोग रास्ते में साथ जुड़ गए, अदरवाइज़ उन्होंने किसी को भी नहीं बताया कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। ये वो एहतराम है जो PTI की हुकूमत करती है। अब ये अदालत ने फैसला किया है, 4 वीक्स में उन्होंने कहा है कि एक कमीशन क्रिएट किया जाए, और कमीशन इसमें तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं। जो मेन हैंडलर्स थे वो पहले ही एलिमिनेट हो चुके हैं। अब उन्होंने कहा है कि जो बाकी जिनकी मॉरल जिम्मेदारियां बनती हैं उनका डिटरमिन किया जाए। वो कमीशन की रिपोर्ट भी है, 4 हफ्ते में हम करके सुप्रीम कोर्ट के सामने इंशाल्लाह उसको भी रखेंगे, और इसी डिटरमिनेशन से तमाम इदारों ने अपने अपने काम करने हैं। उसमें इंतज़ामिया भी शामिल है, उसमें जुडिशरी भी शामिल है, उसमें बाकी इदारे भी शामिल है, और इंशाल्लाह इसको आगे लेके चलेंगे। अरे एक एक कर लेते, उनकी तो आवाज़ सुन लो, उनके बारे में आपका कोई कहने के लिए है, आपके पास कोई इल्मान, उन माओं के लिए कोई पैगाम देंगे आप जिन माओं के बच्चे कत्ल हुए हैं? जो तमाम देखे बात सुने, गुजारिश सुने, सुप्रीम कोर्ट ने 4 वीक्स का टाइम दिया है और प्राइम मिनिस्टर ने सारी सूरत हाल पेश की है पूरी ज्यूरी को, फुल बेंच को, और 4 हफ्ते के बाद प्राइम मिनिस्टर ने ये यकीन दिलाया है, खा उसमें वजीर दाखला हो, खा उसमें हायर एजेंसीज के लोग हों, खा उसमें जुम्मेदार जो भी जुम्मेदार लोग हैं उनको बेनकाब कर यही बात तो शेख साहब ने भी कही है। एक बात अगर कोर्ट ये कहती है कि नवाज शरीफ को लाना मतलूब है तो 24 घंटे के अंदर वजारत दाखला उनको परमिशन और पासपोर्ट देने के लिए तैयार है, बशर्ते कि वो पाकिस्तान है। भेजा है तो वापस भी आना चाहिए। वज़ीर इत्तला'आत फवाद चौधरी सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की फौरन तामील की और पेश हो गए। वज़ीर आज़म कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं, बच्चों की शहादत पर हर पाकिस्तानी का दिल रंजीदा है। इसके अलावा उनका कहना था कि सहने के बाद तवील बातचीत के बाद नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया। इसके अलावा उनका कहना था कि पाकिस्तान में नेशनल एक्शन प्लान के बाद पाकिस्तान में हालात जो हैं वो बेहतर हो गए हैं। आपको अहम खबर से इस वक्त आगाह कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सहने आर्मी पब्लिक स्कूल केस की समाअत हो रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए हैं और चीफ जस्टिस गुलज़ार अहमद की सरबराही में
तीन रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। इस मुतालिक आपको बताएं कि विफाकी वज़रा चौधरी फवाद हुसैन और शेख रशीद अहमद सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से बात कर रहे थे। अली नवाज़ आवान भी उनके हमरा थे और वज़ीरे इत्तला'आत ने कहा कि वज़ीरे आज़म इमरान खान कानून की हुकुमरानी पर यकीन रखते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करती है। और इजाज़ हुसैन इस वक्त हमारे नुमाइंदे हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इजाज़, समाज से मुतालिक बताइएगा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो वज़रा की जानिब से मीडिया से बात की गई इस मुतालिक जानना चाहेंगे। जी, ऐसे है कि अभी से कुछ देर पहले इस केस की समाअत जो है 4 हफ्तों के लिए मुलतवी की गई है और अदालत ने जो अपना फैसला है उस पर अमल दरामद की पेशरफ रिपोर्ट जो है वो तलब की है। 2 हफ्ते का पहले वक्त दे रही थी लेकिन अटर्नी जनरल की तरफ से कहा गया कि 4 हफ्ते दिए जाएं और 4 हफ्ते दिए हैं। अदालत ने यह कहा है कि जो भी रिपोर्ट पेश की जाएगी उस पर वजीर आजम के दस्तखत मौजूद हों। आज जब इस केस की समाअत शुरू हुई थी तो उस वक्त अदालत ने अटर्नी जनरल से इस्तफसार किया था कि क्या वजीर आजम को जो हुक्मनामा था आर्मी पब्लिक स्कूल में उससे आगाह किया गया था, जिस पर अदालत को अटर्नी जनरल की तरफ से बताया गया कि उस अदालती हुक्म से वजीर आजम को आगाह नहीं किया गया था, जिस पर अदालत ने कहा कि वजीर आजम अदालत में पेश हों ताकि इस हवाले से उनसे जो है वो बात की जाए। जब वजीर आजम अदालत में पेश हुए हैं तो उन्होंने यकीन दहानी कराई है अदालत को और उनका ये कहना था कि हमारी 23 साल की उनकी स्ट्रगल है जो इंसाफ के हसूल के लिए और ये हो नहीं सकता कि जो इस ये एक संजीदा मामला है इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए। और अदालत को यकीन दहानी कराई है कि इस मामले के पीछे जो भी एलिमेंट्स थे, जो भी कल्प्रिट्स थे, उनको कैफे किरदार तक पहुंचाया जाएगा और जो भी अदालती अहकाम हैं उन पर पूरी तरह से मिनवान अमल दरामद किया जाएगा। इसके बाद विफाकी वजीर इत्तला'आत और नशरियात ने अभी जो है वो मीडिया से सुप्रीम कोर्ट के बाहर बातचीत की है और उनका ये कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए बहुत आसान था क्योंकि ये वाकया जब पेश हुआ तो उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और पीटीआई अगर अपनी गुज़िश्ता हुकूमतों जो हुकूमतें गुजरी हैं अगर उनकी रवश अख्तियार करती तो वो बड़ा आसान था कि वो उनके खाते में डालकर और ये कहा जाता कि ये मामला और ये सानहा उनके दौर में पेश आया। लिहाजा इस हवाले से अब जो भी तहकीकात उन्होंने की हैं वो उनके दौर की हुई हैं। इस हवाले से नई कोई भी चीज़ नहीं की जा सकती। लेकिन वज़ीर इत्तला'आत और नशरियात ने कहा है कि जो पीटीआई है क्योंकि वो इंसाफ के नाम पर बनी है, वो एक जो ये तहरीक है ये इंसाफ के नाम पर बनी है और यही फसला है और यही वजह है कि वो इस मामले में भी पूरी तरह से अपनी जो जिम्मेदारी है वो दिखा रही है और जितने भी कल्प्रिट्स हैं उनको इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा और उनको कैफे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। जी, समाज 4 हफ्ते के लिए मुलतवी की गई है और इस दौरान जिम्मेदारान का तायुन किया जाएगा और वज़ीर दाखला शेख रशीद अहमद भी बात कर रहे थे कि सानहे से मुतालिक 4 हफ्तों में रिपोर्ट पेश की जाएगी अदालत में। जी, 4 हफ्तों में रिपोर्ट पेश की जाएगी और ये अदालती हुक्म है। जाहिर है ये एक पहला हुक्म था जिस पर अब पेशरफ अब की जाएगी और अब उस पर फिर अमल दरामद जो भी होगा उस हवाले से अदालत को आगाह किया जाएगा। और ये मामला बज़ाहिर यही लग रहा था, कुछ लोगों को ये महसूस हो रहा था कि ये शायद खटाई में पड़ गया है लेकिन आज जैसे वज़ीर आज़म ने अदालत को यकीन दहानी कराई है और अदालत के जो रिमार्क सामने आए हैं, ऑब्जर्वेशन सामने आए हैं, उनसे यही लग रहा है कि जो कल्प्रिट्स हैं उनको करार वाकई सजा मिलेगी। और साथ साथ ये भी है कि अदालत जो है इस मामले को संजीदगी से ले रही है और यही वजह है कि जब अदालत इस केस की समाअत मुलतवी कर रही थी तो अदालत ज्यादा वक्त देने के नहीं दे रही थी लेकिन अटर्नी जनरल की तरफ से 4 हफ्तों का वक्त मांगा गया है तो लिहाजा अब 4 हफ्तों में जो भी पेशरफ्त होगी फेडरल गवर्नमेंट जो है इस हवाले से पेशरफ्त करेगी और फिर जो है वो अदालत को आगाह किया जाएगा और उसके बाद इस केस की प्रोसीडिंग जो है वो आगे बढ़ेंगी। और जो बड़ी तादाद में यहाँ पर सानिया पब्लिक आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के जो वालदेन हैं, जो बाकी उनके रिश्तेदार हैं जो तलबा वहाँ पर शहीद हुए वो भी मौजूद थे और अदालत का ये कहना था कि ये एक बहुत संजीदा मामला है क्योंकि बच्चे जो थे वो स्कूल के बच्चे बड़ा आसान टारगेट था और इसी बात को लेकर जो है वो जो दहशतगर्द थे उन्होंने जो है वो इस ये कार्रवाई की। लिहाजा इस चीज़ को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता और ये जो वालदेन हैं उन शहीदों के उनकी दादरसी होनी चाहिए और जो भी इस सारे सानहे के पीछे थे उन जो कसूरवार थे जो दहशतगर्द में इन्वॉल्व आज की हुकूमत से सामने नजर आया है और वज़ीर आज़म आपसे जानना चाहेंगे
कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कानून की हुकुमरानी पर यकीन रखते हैं और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अदालती हुकुम की तामील की है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को लेकर तहरीक इंसाफ की क्यादत की जानिब से क्या मौकफ़ सामने आया कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करती है, इस हवाले से क्यादत ने क्या मौकफ़ दिया है? जी जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि इमरान खान जब आप वज़ीर आज़म आज अदालत में पेश हुए हैं तो उनका यही कहना था कि ये जो जमात है, ये तहरीक है, पीटीआई जो है, ये इंसाफ के नाम पर बनी है और ऐसा हो नहीं सकता कि इस तरह का कोई संजीदा मामला हो, सीरियस मामला हो और उसको जो है वो अनअटेंडेड छोड़ दिया जाए। और ये उन्होंने कहा कि अदालत को पूरी तरह से यकीन दहानी कराई जाती है कि ये मामला या वाकया जब भी पेश आया है, जिस हुकूमत में पेश आया है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त हुकूमत में है तो इस वाकये में, इस सानहे में जो भी लोग मुलव्वस हैं, जो भी जिम्मेदार हैं, उनको करारवा की सजा दी जाएगी और इस वक्त और इसमें किसी किस्म की भी जो है वो गफलत नहीं की जा सकती। और ये भी साथ जो विफाकी वज़रा थे वज़ीर आज़म के बाहर निकल के उनसे गैर रस्मी गुफ्तगू भी हुई है, उन्होंने मीडिया से भी बात की है और यही एक कमिटमेंट नजर आती है कि ये जो सारे आर्मी पब्लिक स्कूल के जो कल्प्रिट्स हैं किसी इसकी पूरी जो है इसको किसी तौर पर इस मामले को नहीं अनअटेंडेड नहीं छोड़ा जाएगा और जो भी वाकये में मुलव्वस होंगे उनको कार्रवाई की सजा दी जाएगी। जी जी इजाज़, नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से भी आज डिस्कस किया गया, जानना चाहेंगे आपसे कि सानहे के बाद जब तवील मुशावरत हुई उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान मुरतब किया गया और आज वज़रा की जानिब से भी इस बारे में बताया गया है कि आज भी हम उसी नेशनल एक्शन प्लान को लेकर चल रहे हैं और उसी की बदौलत पाकिस्तान में आज सूरत हाल बेहतर है, इस बारे में बताइए। जी वज़ीर आज़म ने ये कहा है और ये साथ ये भी कहा है कि तमाम तर जो उस वक्त मामला थे, तमाम तर जो डिफरेंसेस थे, इसके बावजूद उन तमाम चीज़ों को छोड़कर जो है वो एक नेशनल प्लान की तरफ हम लोग गए और नेशनल प्लान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भरपूर जो उसमें शिरकत की और उसको और जो भी उसका जो भी वहाँ पर उस वक्त जो है वो उसको डिसाइड किया गया, फाइनल किया गया, उस हवाले से आज भी कमिटमेंट जो है वो तहरीक इंसाफ की मौजूद है और तहरीक इंसाफ उसी पर कारबंद है और साथ साथ ये है कि इस जो मामला है, ये जो एटीएस का मामला, इस हवाले से किसी किस्म की कोई रायत बख्शी नहीं जाएगी और जो तमाम जो जो कल्पिट्स हैं उनको कार्रवाई की सजा दी जाएगी और जो रिपोर्ट पेश की जाएगी उस पर क्योंकि वज़ीर आज़म के साइन होंगे, दस्तखत मौजूद होंगे, तो इस लिहाज से ये जो मामला है इसमें इस तमाम चीज़ों को कवर किया जाएगा कि जो कानूनी पहलू हैं, जो आईनी पहलू हैं, उनको सामने रखा जाए। और आज जब इस केस की समाअत शुरू हुई थी तो अदालत का सिर्फ और सिर्फ यही इस्तफसार करना था कि क्या वज़ीर आज़म को जो एपीएस के हवाले से अदालत ने हुक्मनामा दिया था, अदालत ने एक फैसला जारी किया था, उस हवाले से आगाह किया गया है। अटॉर्नी जनरल ने उस वक्त यही कहा कि क्योंकि वो फैसला अमूमी तौर पर फैसले जो होते हैं उन काफ़ी लंबी होते हैं तो इस हवाले से उन्हें पूरी तरह से आगाह नहीं किया गया, इसीलिए वज़ीर आज़म को आज जो है वो अदालत ने यहाँ पर पेश होने की कहा था और वो अदालत की हुक्मनामे के हुक्म के मुताबिक फौरी तौर पर पहुंचे हैं। माजी में हमने देखा है कि जब कभी भी इस तरह की सूरत हाल पेश आती है कि जो चीफ जस्टिस को जो है वो तलब किया जाता है तो उससे वज़ीर आज़म ने अदालती हुक्म की तामील की है। इजाज़ हुसैन आज की समाअत से मुतालिक हमें आगाह कर रहे हैं, इजाज़ मजीद भी हम आपसे जानेंगे, फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करती है, वफाकी वज़रा की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से बात की गई और वफाकी वज़ीर इत्तला'आत व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन और वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद मीडिया से बात कर रहे थे और मीडिया नुमाइंदगान की जानिब से पूछे गए सवालों के जवाब दे रहे थे। और वज़ीर इत्तला'आत चौधरी फवाद हुसैन ने सानहे के हवाले से बात करते हुए कहा कि बच्चों की शहादत पर हर पाकिस्तानी का दिल रंजीदा है और सानहे के बाद तवील मुशावरत से पे बातचीत के बाद नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया और आज भी हम उसी नेशनल एक्शन प्लान को लेकर चल रहे हैं और उसी की बदौलत पाकिस्तान में हालात मामूल पर आए हैं और सियासी और अस्करी क्यादत की मुशावरत के बाद नेशनल एक्शन प्लान मुरतब किया गया, इस हवाले से उन्होंने बात की और कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अदालती हुक्म की तामील की है और वज़ीर आज़म इमरान खान कानून की हुकुमरानी पर यकीन रखते हैं और तहरीक इंसाफ की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करती है। और वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद भी इस हवाले से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इस सानहे से मुतालिक जो जिम्मेदारान हैं उनका तायुन किया जाएगा और सानहे से मुतालिक चार हफ्ते में रिपोर्ट पेश की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट में सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल केस की समाअत हुई है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में तीन रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। वज़ीर-ए-आज़म के साथ वज़ीर दाखिला शेख रशीद, चौधरी फवाद हुसैन, वज़ीर ममलिकत फारूक हबीब, मावन खसूसी शहबाज गिल भी कमरे अदालत में मौजूद थे और वज़ीर इत्तला'आत चौधरी फवाद हुसैन सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू भी कर रहे थे। उनका कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की फौरन तामील की है और पेश हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं। इसके अलावा उनका कहना था कि बच्चों की शहादत पर हर पाकिस्तानी का दिल रंजीदा है। सानिया के बाद तवील बातचीत के बाद नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया था। इसके अलावा उनका कहना था कि नेशनल एक्शन प्लान के बाद पाकिस्तान में हालात बेहतर हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल केस की समाअत हुई जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और इस सिलसिले में अदालत ने हुकूमत को 4 हफ्ते में रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दिया है। वज़ीर इत्तला'आत चौधरी फवाद हुसैन और शेख रशीद अहमद, वज़ीर ममलिकत फारूक हबीब और मावन खसूसी शहबाज गिल भी कमरे अदालत में उस वक्त मौजूद थे और वज़ीर इत्तला'आत चौधरी फवाद हुसैन सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू भी कर रहे थे जिसमें उनका कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की फौरन तामील की है और पेश हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल केस की समाअत हुई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सुप्रीम कोर्ट पहुँचे और कुछ देर पहले वफाकी वज़रा वज़ीर इत्तला'आत और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन और वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सानिया APS पर बात करते हुए बच्चों की शहादत पर हर पाकिस्तानी का दिल रंजीदा है और हुकूमत ने सानिया से मुतालिक अपनी जिम्मेदारियां भरपूर तरीके से पूरी की हैं और सानिया के बाद तवील बातचीत के बाद नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया और उसी से मुतालिक आज भी उसी नेशनल एक्शन प्लान को लेकर चल रहे हैं और पाकिस्तान में हालात मामूल पर आए और वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद भी वहाँ पर मौजूद थे, अली नवाज आवान भी वहाँ पर मौजूद थे और वज़ीर दाखिला ने इस मुतालिक कहा कि सानिया के से मुतालिक 4 हफ्ते में रिपोर्ट पेश की जाएगी और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं और एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कानून और इंसाफ की हुक्मरानी पर यकीन करते हुए आज अदालत के हुक्म की तामील की है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करती है और पेशरफ्त रिपोर्ट से मुतालिक भी अदालत की जानिब से हुक्म दिया गया और अदालत ने इस मुतालिक कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म के दस्तखत के साथ रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज अदालत में जवाब जमा कराया है और वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जब यह वाक़ हुआ तो मैं फ़ौरन पेशावर पहुँचा और सानिया के हवाले से हर मुमकिन इकदाम उठाए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा वज़ीर-ए-आज़म की मुलजमान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने की यकीन दहानी। आज अदालत में वज़ीर-ए-आज़म ने यह जवाब दिया है, सानिया से मुतालिक सब तहकीकात हमारे दौर में हुई हैं और हुकूमत सानिया से मुतालिक अपनी जिम्मेदारियाँ भरपूर तरीके से अदा कर रही है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने जवाब में कहा और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से जवाब दिया गया और अदालत के तलब करने पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान फौरन पहुँचे और इसे मुतालिक वफाकी वज़रा भी बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म अदालती हुक्म की उन्होंने तामील की है और तहरीक इंसाफ की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करती है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं और वज़ीर-ए-आज़म ने फौरन अदालत के हुक्म की तामील की और अपनी मसरूफियात को बालाए ताक रखते हुए अदालत पहुँचे और वज़ीर-ए-आज़म ने अपने जानिब से जवाब दिया। सानिया APS पर बातचीत करते हुए वज़ीर दाखिला की जानिब से भी बात की गई और वज़ीर इत्तला'आत और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि बच्चों की शहादत पर हर पाकिस्तानी का दिल रंजीदा है और सानिया के बाद तवील मुशावरत की गई और सियासी और अस्करी क़यादत की मुशावरत के बाद नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया और आज भी हम उसी नेशनल एक्शन प्लान को लेकर चल रहे हैं और उसी की बदौलत पाकिस्तान में हालात मामूल पर आना शुरू हुए। और इसके बाद वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने भी बात की है और सहाफ़ियों के सवालों के जवाब भी दिए और कहा कि सानिया से मुतालिक 4 हफ्ते में रिपोर्ट पेश की जाएगी और जिम्मेदारान का तायुन किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल से मुतालिक केस की समाअत हुई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे उस वक्त के मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद, वज़ीर इत्तला'आत चौधरी फवाद हुसैन, वज़ीर ममलकत फारूक हबीब, मावन खसूसी शहबाज गिल कमरा अदालत में वज़ीर-ए-आज़म के हमरा मौजूद थे और उसके बाद मीडिया से भी बातचीत की गई। अब तक की जो पेशरफ्त इस मुतालिक आगाह किया गया सहाफ़ियों को और वज़ीर इत्तला'आत नशरियात चौधरी फवाद हुसैन सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से बात कर रहे थे और वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जो जवाब दिया गया इस पर भी उन्होंने बात की है। और जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अदालत पहुंचे थे उस वक्त के मनाज़िर आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं वज़ीर इत्तला'आत चौधरी फवाद हुसैन उनके हमरा हैं जब वो सुप्रीम कोर्ट पेश हो रहे थे और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं। वफाकी वज़रा की जानिब से कहा गया कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का
एहतराम करती है और वज़ीर-ए-आज़म ने अदालती हुक्म की तामील की है और वज़ीर-ए-आज़म ने अदालती हुक्म की तामील करते हुए फौरन वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और केस के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने आगाह किया अदालत को। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में साने आर्मी पब्लिक स्कूल केस की समाअत हुई है जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में तीन रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ वज़ीर दाखिला शेख रशीद, चौधरी फवाद हुसैन, वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब, मामले खसूसी शहबाज गिल भी कमरा अदालत में उस वक्त मौजूद थे। इस सिलसिले में अदालत ने हुकूमत को चार हफ्ते में रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दिया है और साने एपीएस की समाअत चार हफ्ते के लिए मुलतवी हो गई है। इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि हुकूमत साने से मुतलिक अपनी जिम्मेदारी भरपूर तरीके से अदा कर रही है। वज़ीर इत्तला'आत चौधरी फवाद हुसैन सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे जिसमें उनका कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के फौरन तामील करते हुए पेश हो गए हैं। वज़ीर आज़म कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं। इसके अलावा उनका कहना था कि बच्चों की शहादत पर हर पाकिस्तानी का दिल रंजीदा है। साने के बाद तवील बातचीत के बाद नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया। नेशनल एक्शन प्लान के बाद पाकिस्तान में हालात बेहतर हुए हैं। उसके अलावा उनका कहना था कि साने से चार हफ्ते में पेशरफ्त रिपोर्ट तैयार करके अदालत में पेश कर देंगे, ये चौधरी फवाद हुसैन का कहना था। इसके अलावा वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने साने से मुतलिक अदालत में सारी सूरत हाल पेश की है। वज़ीर इत्तला'आत चौधरी फवाद हुसैन सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे जिसमें उनका कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की फौरन तामील करते हुए पेश हो गए। इस वक्त बराह रास्त मनाजिर जो आपको दिखाए गए थे स्क्रीन पर कि वज़ीर आज़म सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और वज़ीर आज़म कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं, इसका सबूत उन्होंने पेश किया। बच्चों की शहादत पर हर पाकिस्तानी का दिल रंजीदा है, चौधरी फवाद हुसैन का ये कहना था। इसके अलावा चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि साने के बाद तवील बातचीत के बाद नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया है। नेशनल एक्शन प्लान के बाद पाकिस्तान में हालात बेहतर हुए हैं। इस सिलसिले में अदालत ने हुकूमत को चार हफ्ते में रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दिया है। सानिया एपीएस की समाअत चार हफ्ते के लिए मुलतवी हो गई है। इस वक्त आम खबर से आपको हम आगाह कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सानिया आरपी पब्लिक स्कूल केस की समाअत हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में तीन रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। वज़ीर आज़म के साथ वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद, चौधरी फवाद हुसैन, वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब, मावने खसूसी शहबाज गिल भी कमरा अदालत में उस वक्त मौजूद थे। इस सिलसिले में अदालत ने हुकूमत को चार हफ्ते में रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दिया है। जी हाँ, वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से अदालत में आज जो जवाब दिया गया, वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ 80,000 लोग शहीद हुए हैं और जब ये वाक़या पेश आया तो मैं फ़ौरन पेशावर पहुँचा। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस सानहे से मुतालिक तमाम तर तहकीकात हमारे दौर में हुई हैं और हुकूमत इस मुतालिक अपने ज़िम्मेदारी भरपूर तरीके से पूरी कर रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुलज़िमान को कफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। इस मुतालिक वज़ीर आज़म की जानिब से यकीन दहानी कराई गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि इस सानहे के हवाले से तहकीकात जो की गई हैं वो हमारे दौर में हुई हैं और मुलजिमान को कफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। दूसरी जानिब अदालत की जानिब से इस सानहे से मुतालिक पेशरफ्त रिपोर्ट तलब की गई है और वज़ीर आज़म के दस्तखत के साथ रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। अदालत ने यह हुक्म दिया है और वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से जवाब जमा कराया गया। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी तमाम तर मसरूफियात को बालाए ताक रखते हुए फौरी तौर पर वज़ीर आज़म सुप्रीम कोर्ट पहुँचे और इसी मुतालिक विफाकी वज़रा की जानिब से भी कहा गया कि वज़ीर आज़म ने अदालती हुक्म की तामील की है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करती है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे। इजाज़ हुसैन हमारे नुमाइंदे हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे मज़ीद बात करेंगे। इजाज़ बताइएगा, अब तक की पेशरफ्त के हवाले से हम जानना चाहेंगे, आज जो समाअत हुई और उसके बाद वज़ीर आज़म की जानिब से जवाब जमा कराया गया, तमाम तर पेशरफ्त से मुतालिक अपडेट कीजिएगा। जी ऐसे है कि आज जब सुबह इस केस की समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस से गुलजार अहमद की सरबराही में ये तीन रुकनी बेंच था जिसने इस्तफसार किया अटर्नी जनरल से कि क्या जो एपीएस स्कूल के हवाले से जो हुक्मनामा था अदालत का, क्या उससे वज़ीर आज़म इमरान खान को आगाह किया गया है। तो उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म को उस तरह से आगाह नहीं किया गया और उन्हें आगाह कर दिया जाएगा, जिस पर अदालत ने काफ़ी खफगी का इजहार किया और ये कहा कि बहुत अहम और संजीदा मामला है, इस हवाले से वज़ीर आज़म को आगाह किया जाना चाहिए था। और फिर अदालत ने कहा कि मुनासिब यही है कि वज़ीर आज़म अदालत में पेश हो जाएं ताकि हम उनसे उनको इस हवाले से जो सूरत हाल है उससे आगाह करें और उनसे जो भी इस हवाले से बातचीत होनी है वो हो जाए। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जो है वो वज़ीर आज़म के हमराह पेश हुए हैं अदालत में, वफाकी वज़रा और सैनेटर्स भी वज़ीर आज़म के हमराह थे।
वज़ीर आज़म ने पूरी जो दहशतगर्दी की तहरी जो तारीख है वो उस हवाले से अदालत को आगाह किया है। अफगानिस्तान जो इशू है इस हवाले से में उसका क्या किरदार रहा है वो भी अदालत को आगाह किया गया है। और वज़ीर आज़म ने कहा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो इंसाफ के नाम पर बनी है, उसका वजूद ही इंसाफ के नाम पर है। और ये हो नहीं सकता कि इतना संजीदा मामला हो और एक इतना बड़ा सानिया हो और उस हवाले से जो तहरीक इंसाफ है वो कोई कार्रवाई ना करे। और अदालत का को उन्होंने यकीन दहानी कराई कि जो भी अदालती अहकाम हैं, जो भी कमीशन के इस हवाले से फाइंडिंग है, उस पर मिनवाने अमल दरामद किया जाएगा। और जो इस हमले के जो जिम्मेदार हैं, जो इसमें लोग जिम्मेदार थे, जो दहशतगर्द इसमें जिम्मेदार थे, उनको करार वा की सज़ा दी जाएगी। जिसके बाद अदालत ने 4 हफ्तों के लिए इस केस की समाअत मुलतवी की है और एक रिपोर्ट मांगी है फेडरल गवर्नमेंट से जो पेश रफ्त के हवाले से होगी। और उस रिपोर्ट पर अदालत ने यह कहा है कि मुनासिब यही होगा कि वज़ीर आज़म के दस्तखत मौजूद हों। जब ये केस की समाअत ख़त्म हुई है तो उसके बाद वफाकी वज़ीर इत्तला'आत और नशरियात ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की है और उनका यही कहना था, उन्होंने वज़ीर आज़म के जो अज़्म है उसको दोहराया और ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये बहुत आसान था कि वो इस केस से साइड पे हो जाती है। ये कहती कि जब ये वाकया ये सानहा पेश आया उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं थी और जब ये हुकूमत मार्ज वजूद में आई है, जब ये हुकूमत वजूद में आई है तो उस वक्त काफ़ी अर्सा गुजर चुका था और जो शवाहद थे उनकी भी वो अहमियत नहीं रह गई थी। उस वक्त जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, लेकिन उनका ये कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना किरदार और जो इसका मंशूर है उसके मुताबिक इस केस में अपना पूरा किरदार निभाएगी और जो भी इसके जो भी लोग इसमें मुलव्वस हैं, जो भी किरदार इसके ज़िम्मेदार हैं, उनको करारवा की सज़ा दी जाएगी। जी जी इजाज़, आपने कहा कि अदालत की जानिब से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब की गई है वज़ीर आज़म के दस्तखत के साथ, ये पेशरफ्त रिपोर्ट किस बात का अहाता करेगी और इसी तनाजुर में 4 हफ्ते का वक्त दिया गया है? जी, इसमें ज़ाहिर है जो अदालती हुक्म है उस पर अमल दरामद के हवाले से है और जो कल्प्रिट्स थे, जो गिरफ्तार हुए, जो तहकीकात हुई और जो लोग इस वक्त ज़ेरे हिरासत हैं, उस हवाले से क्या कुछ हुआ और ये मामला कहाँ तक पहुँचा, लोगों को क्या सज़ा दी जा रही है और क्या कानूनी कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि जो नवाहकीन हैं, वालदेन हैं, वो हर समाज पर मौजूद होते हैं और वो दादरसी के लिए अदालत की तरफ देखते हैं और अदालत क्योंकि ये हुक्मनामा जारी कर चुकी है तो उसके बाद अब उस पर पेशरफ्त यानी कि अमल दरामद की पेशरफ्त जो है वो उसको अदालत में उसका जायज़ा लेना है। तो जाहिर है जो भी इस हवाले से पेशरफ्त होगी, जो भी रिपोर्ट होगी, वो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अब एक माह बाद अदालत में पेश करेगी। गो के पहले अदालत इस हफ्ते से 15 रोज़ की मोहलत दे रही थी फेडरल गवर्नमेंट को, लेकिन अटॉर्नी जनरल का ये कहना था कि मुद्दत कम है, इसमें थोड़ी सी 2 हफ्ते का और वक्त दिया जाए, जिस पर अदालत ने उनकी इस्तदआ मंजूर की और अब 4 हफ्ते का वक्त है। 4 हफ्ते जब ये ख़त्म होंगे उससे पहले ही ज़ाहिर रिपोर्ट पेश की जाएगी, फिर इस मामले की दोबारा से समाअत होगी। जी जी इजाज़, आपको मालूम है कि सानहा APS के बाद नेशनल एक्शन प्लान मुरतब किया गया सियासी और अस्करी क़ियादत की जानिब से, नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से क्या मौक़िफ़ सामने आया, इस पर कितना अमल दरामद हुआ और आज पाकिस्तान में जो हालात बेहतर हैं वो नेशनल एक्शन प्लान के ही मरहून मिन्नत हैं, इस बारे में क्या मौक़िफ़ सामने आया बताइएगा? जी, वज़ीर आज़म जब आज अदालत में पेश हुए तो उन्होंने सारी इस तारीख से आगाह किया है, वो चाहे वो 70s से शुरू हुई हो जब रशियन इन्वेजन हुआ या उससे पहले की हो, तो ये उन्होंने दहशतगर्दी की सारी जो है वो तारीख पेश की और ये कहा है कि पाकिस्तान की के एक हमसाया मुल्क है अफगानिस्तान का, तो इस हवाले से पाकिस्तान को हमेशा मुश्किलात का सामना रहा। फिर इस वाक़े का ख़ास तौर पर उन्होंने जिक्र किया और कहा कि उस वक्त जो भी हुकूमत बरसर इक्तदार थी, जब नेशनल एक्शन प्लान का मौका आया तो उसमें बाकी सियासी जमातों की तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी भरपूर हिस्सा लिया और उसको मुरतब किया गया और आज भी उस एक्शन प्लान पर अमल दरामद जारी है और उसी एक्शन प्लान पर अमल दरामद का नतीजा है कि आज पाकिस्तान के हालात बेहतर हुए हैं, चाहे वो फाटा वाना के हों या कबायली इलाकों के हों, वो हालात बेहतरी की तरफ गामजन है और काफ़ी हद तक पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के खतरात मंडला रहे थे आज से 6-7 साल पहले, वो अब काफ़ी हद तक जो है वो ख़त्म हो चुके हैं और अब पाकिस्तान का जो इमेज है वो दुनिया भर में उभर रहा है। जी, वज़ीर आज़म ने फौरन अदालती हुक्म की तामील की है, इस बारे में बताइएगा कि तहरीक इंसाफ की क़ियादत की जानिब से क्या मौक़िफ़ सामने आया और तहरीक इंसाफ की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करती है, इस बारे में वज़रा ने किन ख्याल का इजहार किया है? हाँ जी, इसमें कोई शक नहीं, इससे पहले भी मैं, क्योंकि हम लोग
बड़ी तवातर से सुप्रीम कोर्ट को कवर कर रहे हैं। तो इससे पहले भी वज़ीरे आज़म को बुलाया जाता था तो उसमें या तो किसी किस्म की डिले आ जाती थी कि किसी भी इशू के हवाले से बताया जाता था कि उस वक्त के जो वज़ीरे आज़म हैं वो शायद किसी इजलास में हैं, वो आते हैं और फिर ब्रीफिंग में, क्योंकि ये कानूनी और आइनी मामला होता है, जो मशावरती टीम होती है उससे मशावरत की जानी होती है। लेकिन आज ये हमने देखा है कि वज़ीरे आज़म इमरान ख़ान फौरी तौर पर अदालत में पेश हुए हैं और इस हवाले से गोके में अटर्नी जनरल ने जितना आगाह किया जा सकता था किया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बड़े जो है वो दबंग अंदाज से वो अदालत में पेश हुए हैं और जो भी असल सूरत हाल थी इस उस हवाले से, जैसे मैंने पहले भी कहा कि पूरी उन्होंने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जो तारीख है वो अदालत के सामने रखी है और अदालत को ये भी यकीन दहानी कराई है कि बेशक ये एक तारीखी मामला है लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो अपनी फ़राइज़ से गफलत नहीं बरत रही और वो इन तमाम मामलों को देखेगी, चाहे वो सानहा APS हो या कोई दूसरे मामला हों, उस हवाले से अदालत ने को यकीन दहानी कराई गई है। और यही जो वजह है कि अदालत ने इस जो यकीन दहानी कराई गई है वज़ीरे आज़म की तरफ से, उसको जो है वो काफ़ी संजीदा भी लिया है और यही वजह है कि जब रिपोर्ट पेश करने का मामला आया है तो उस पर भी वज़ीरे आज़म के दस्तखत जो है वो उन्होंने मांगे हैं और इसकी वजह यही है कि जब आज बहुत शुक्रिया हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। यहाँ पे हम शामिल करेंगे मज़ीद खबरें लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद।